अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आज डेट है 11th जून और डे है थर्सडे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 96 से, प्रोफेस वन, यानी हमने माइटोसिस अपना कंप्लीट कर लिया और मियोसिस का सब फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेस वन, जो कि माइटोसिस में भी पहला फेज़ था। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि वहाँ हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। मैंने इसीलिए आपसे कल कहा था कि आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो प्रोफेस वन में क्या बात करने लगे अब हम, जहाँ पे बिल्कुल धागा नुमा स्ट्रक्चर था हमारे पास, माइटोसिस में पढ़ा था ना आपने, तो ये भी प्रोफेस वन मियोसिस वन का फेज है, जिसमें कह रहा है प्रोफेस वन इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम। कह रहा है कि जो धागानुमा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर, और वो किस फेज में चेंज होता है, वो प्रोफेस में होता है, ठीक है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो एक जैसे क्रोमोसोम है, लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म अ पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। कहता है होमोलोगस क्रोमोसोम यानी एक जैसे क्रोमोसोम जब आपस में दो अटैच हो जाएंगे तो वो जिस प्रोसेस से अटैच होते हैं उसको कहते हैं साइनेप्सिस। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। ईच बाइवेलेंट हैज फोर क्रोमैटिड, सो इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड टेट्रेड। ये देखें, ये एक क्रोमोसोम का पार्ट है जिसके साथ दूसरा अटैच हो, यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है? ये 1 2, और उसने क्या कहा है, कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है? 4 क्रोमैटिन अटैच हो गए, इट इज़ कॉल्ड टेट्रेड। द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट अलॉन्ग देयर लेंथ। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड क्यास्मेटा। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, जो एक जैसे हैं। और जो तीसरा और चौथा, ये जो 2 पॉइंट मज़ीद साथ जुड़ गए हैं, ये मिलके बना देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी एक ये सिस्टर क्रोमैटिड और ये साथ मिल गए तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का 4 का पेयर हो गया। और ये जिस तरह एक दूसरे, ये कलरिंग करने का मकसद ये है कि जब ये पॉइंट एक दूसरे से मिलते हैं, यानी 1 वाला 3 के साथ और 2 वाला 4 के साथ, ये देखें, ये 1 वाला ये पोर्शन था हमारा और ये है 3 वाला, ये जाके जब 1 के साथ मिल जाएगा और जो 2 वाला पोर्शन था वो जाके मिल जाएगा 4 वाले पॉइंट के साथ। तो कहता है ये जो इनकी आपस में अटैचमेंट है ना, इसे कहते हैं क्यास्मेटा, ठीक है? इन द नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। कहते हैं यहाँ पे तो हमने अटैचमेंट करवा दी इनकी, इसके बाद अगले स्टेज पे ये क्या करते हैं, ये जो 3 वाला पार्ट है ना, ये 2nd वाले के साथ अपना हिस्सा जोड़ देगा और उसका हिस्सा उतर के 3rd वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसका पार्ट उसके पास चला गया, उसका पार्ट इसके पास आ गया। नेक्स्ट पे उन्होंने इनको अलहदा अलहदा करके दोबारा से बताया है, तो ये देख लें कलरिंग चेंज हो गई है ना, इसका मतलब इनमें चेंजिंग हो गई है, इन्होंने अपनी पार्ट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, इसको यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मेटाफेज 1, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।